मुझे बहुत दिन बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरी गर्दन नहीं है, ये मोना है ना मोना? मोना जी अपने जन्मदिन पर आई हैं हमारे लिए अपना काम करने। ये अपना बैग लाई हैं, अपना भानुमति का पिटारा। एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो आई है हमारे लिए ये है मोना। डोंट वरी, मोना इज कम्प्लीट सेफ। और अगर सेफ और हाइजेनिक नहीं होती तो सबसे पहले तो मैं नहीं बुलाती इसको। इनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था और मैंने सोचा कि यार ये अपने बर्थडे पर एक वर्किंग लेडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए तो हमने सोचा है कि इनके लिए हम छोटा सा सरप्राइज प्लान करें। जो विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये मेरा वीडियो देखती है, मेरे ब्लॉग्स देखती है ये, तो यहाँ पे मैं डालूंगी तुम्हारा हैप्पी बर्थडे करके। बाय द वे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चारों दीदी के चैनल को। ओके, ये रहा एलोवेरा फेशियल किट। ओके, ये रहा पपाया। ओके, और आपका चॉकलेट वैक्स। ओके, जो कि चारू दीदी कराती हैं हमेशा ही। दुनिया को बता दो लड़कियां क्या क्या कराती हैं। लड़कियां तो बहुत कुछ कराती हैं, लड़कियां तो बहुत कुछ कराती हैं। हेयर कट भी करानी है। हाँ, हेयर कट कराना है मुझे। बाय द वे, आप मेरा एनिवर्सरी व्लॉग पहले देख चुके होंगे, मैं उसकी प्रिपरेशन बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पूछ रही हूँ कि मोना को केक कौन सा चाहिए, कि मतलब इनके दोस्त मित्र बनके इनके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान किए होंगे। छोटा चाहिए जो ये ले जा भी सके, इनके थैले में भी कैरी हो सके और ये यहाँ पे मेरे साथ सेलिब्रेट करके भी जा सके। बेडशीट बिछा ली है ताकि मेरा बेड गंदा ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टीवी को हम पहले ही कवर कर दे रहे हैं एक अच्छे से दुपट्टे से पूरे तरीके से, ताकि एक हमारे पाउडर का स्प्रे तक इसमें कहीं से भी ना जाए। तो अगर मेरे पतिदेव ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सपेंसिव टीवी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। नहीं, ना वैक्सिंग शूट नहीं करती है, लेकिन मैं कर रही हूँ। आई एम टू ब्रेव। दीदी आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे बात करना में इतना इंटरेस्टेड है जितना आप मुझसे अपनी हर बातें शेयर करती हैं, मतलब एक छोटी बहन की तरह हर चीज़ बताती हैं। ये जो सवाल इसने ड्रामेटिक तरीके से पूछा है, जो असली नहीं लग रहा, ऑफकोर्स नकली लग रहा है कि मैंने इसको प्रश्न दिए हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रही है ये, लेकिन सवाल इसका 100% असली है। तो ओके, मोना ने मास्क लगाया है तो मैं मास्क उतार कर बात कर सकती हूँ, इट्स सेफ। पहली बात तो ये कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है, आई लव टू टॉक, तो मैं सबसे बात कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आपको पता चल जाता है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। नहीं है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बट अगर है तो कुछ लोग होते हैं ऐसी बस ऊपर ऊपर से बात करके चले जाते हैं, आप उनसे ज्यादा जबरदस्ती किसी के नाक में घुस नहीं सकते जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बात करते 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 खुल जाते हैं। प्लस मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि मुझे समाज सेवा का बहुत शौक है, तो मुझे लगता है कि मेरे से जुड़े जिस भी पर्सन की लाइफ में कुछ अगर मैं बेहतर वैल्यू एड कर सकूं तो क्यों नहीं। वैसे भी हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान ही है, तो हम एक दूसरे से बात करें ये बड़ा आसान तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। दैट्स व्हाट आई डू, आई लव टू डू इट। ये है चारू दीदी का फेस और इस पे मैं करने वाली हूँ आस्तावेरी पपाया फेशियल। तो मैंने इनके फेस पे अप्लाई किया है, फर्स्ट है क्लिंजर, तो मैं दीदी का क्लिंजर कर रही हूँ। दिख रही हूँ मैं कंफर्टेबल हूँ, आप भी कंफर्टेबल हैं या नहीं है? ठीक है, हाँ हाँ फाइन। ओके, ये है क्लिंजर, क्लिंजर है, 5 मिनट तक हम क्लिंजर करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके डन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चारू दीदी के फेस पे हम लोग स्क्रब करने वाले हैं। स्क्रब ही डेड स्किन को निकालता है। वाओ, मैं इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। I'm feeling really really light, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन के कारण ना हम लोग मोस्टली कहीं बाहर जाते हैं, ना किसी की सर्विस लेते हैं, ना किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो बहुत
जब तक ज़रूरी नहीं हो, ट्रस्टवर्दी नहीं हो, मैंने भी नहीं कराया था बहुत दिन से कुछ, तो बहुत दिनों बाद मैं कोई सर्विस ले रही हूँ एंड फुल प्रिकॉशन में ले रही हूँ, डो नॉट वरी, को रिलैक्स करने देना पड़ेगा, आपको रिचार्ज कर देता है। जैसे देखो ये है, ये चार्जर, इसने से प्लग इन किया मेरे हाथ में, मैं चार्ज हो रही हूँ। वैसे क्या लगाया मुना तुमने? मैंने ये फेस मास्क लगाया है। तो अब आपसे इस खूबसूरत चेहरे को क्लीन करने के बाद मिलती हूँ मैं। मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ या यूज़ करती हूँ अपने बॉडी पर, अपने हेयर पर, कहीं भी, मेरी कोशिश होती है कि वो बहुत ही कम हार्मफुल केमिकल्स की हो। जो हमारी मैडम है मोना, इन्होंने मेरा पूछा कि क्या है आपकी रूटीन दीदी, हाउ अमेजिंग आई एम, जस्ट थिंक, इसको भी नहीं पता। मेरे पास एक क्रीम है हर्बल करके, हर्बल से इसका मतलब है कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की क्रीम है इसके पास। अब ये चैनल मैं इनको दे देती हूँ और यही चलाएंगी। अच्छा लग रहा है, हल्का भी फील हो रहा होगा। हाँ, मसाज तो मिली, दो हुआ है, दो स्टेप में ही इतना क्लीन लग रहा है। आई थिंक एनिवर्सरी रेडी मैं हो जाऊंगी। ठीक है ना, फेस भी आपको हल्का हल्का फील हो रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी हेयर कटिंग बालकनी में करेंगे ताकि नुकसान और सफाई मुझे कम करनी पड़े। बताइए, मैं आपके कटिंग में स्टेप्स कटिंग कर दूँ, आपको कोई इशू तो नहीं है कि मेरे बाल छोटे हो जाएंगे? अब ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरा वीडियो देखा है ना जी? अब सब कतर चुका है। ओके। अब तुम कर दो, अब मैं एनिवर्सरी पर स्पेशल लगूंगी। ओके। स्टार वॉर्स देखा? स्टार वॉर्स में वो जो अलग अलग दिखते हैं, एलियन लग रही हूँ मैं वैसी, तीन मुकुटों के साथ। कूल लग रही है सच में, है ना? सही, अच्छी लग रही है। ओके। मैंने ये छोटा सा क्यूट सा पेटल ऑफ लव एंड केक मंगाया है, आपको दिखाती हूँ मैं। और ये है गिफ्ट रैप ताकि आपको लगे कि आपका बर्थडे था। आप आइए, बोलो कुछ कैमरे में बोलो कि चारू दीदी अच्छा लग रहा है। चारू दीदी अब मेरे केक काटने का इंतजार कर रही थी जो कि अब होने वाला है, हम लोग काटेंगे। चारू दीदी के लिए बहुत ही स्पेशल की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ओके, और मैं इसको यहाँ पे रख दूँ? जल जा यार। ओके अब फेस तो मेरे अच्छे आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोना, हैप्पी बर्थडे टू हर। ये हमारे बीच का छोटा सा केक, थोड़ा सा और खाइए। मैं डाइट पे हूँ हमेशा, थोड़ा सा। ओके, मैंने इसको बताया कल मेरी एनिवर्सरी है, कल मुझे और खाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से लेते हैं, इनको ब्लैक फॉरेस्ट पसंद था तो मैंने ढूंढ के इसमें से ब्लैक फॉरेस्ट निकाला है, इनको ब्लैक फॉरेस्ट खिलाएंगे, खाइए। हैप्पी बर्थडे मोना। थैंक यू सो मच दी। शी इज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी, बहुत हैप्पी। और घर वालों को भी केक खिलाना, और जिस दिन ये वीडियो आएगा मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगी, दिखाना कि मोना कितने अच्छे से काम करती है। इसलिए मोना इज अ लॉ स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट फाइनल हो गया मेरा। हाँ, लॉ फाइनल हो गया, वो एडवोकेट हो गई है और बनारस कचहरी में किसी सीनियर के अंडर वो प्रैक्टिस करती है, जूनियर फीमेल लॉयर, और इसके साथ साथ ही अपना पार्ट टाइम काम करती है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देख रही हैं, अगर किसी को मोना को बुलाना हो मुझसे संपर्क करें। ओके, कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करती कि आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आपको इसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फर्स्ट आप टेस्ट करो, इफ यू थिंक दैट्स राइट तो ही लो, ना तो ये प्रेशर देने में विश्वास रखती है ना मैं। ओके, सो बाय बाय करते हैं मोना को, चलो बाय बाय। अरे मोना यार, तुम्हारा लिया, देखो ये तुम लिए भी नहीं चलेगा, इसको चलो इसको लीजिए आप।